Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास आइकू का Z7S है और आपको लेना है इस फोन का स्क्रीनशॉट, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस फोन के ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर स्क्रीनशॉट के, जो कि काफी यूजफुल है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको फनी स्क्रीनशॉट के काफी अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा किस किस तरह से स्क्रीनशॉट इस फोन में आप बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करेंगे तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब 3 फिंगर से डाउन करके स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, बट यहाँ पे और भी फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कि केवल इस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, जिसके लिए आपको पहले अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा या एस कैप्चर पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ सेव करेंगे तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपका ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा और भी फीचर मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से फनी स्क्रीनशॉट ऑप्शन में जाना होगा। एस कैप्चर पर क्लिक करके फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर 3 आपको अलग अलग कैटेगरी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि अलग अलग इमोजी टाइप आपको मिल जाएंगे। इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप इस तरह सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आप जिस इमोजी को सेलेक्ट किया उस टाइप का स्क्रीनशॉट बन जाएगा, या क्लिक करके इसको आप सेव करा सकते हो। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं फनी स्क्रीनशॉट के ही अंदर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेसो स्क्रीनशॉट मिल जाता है। अब ये क्या है, आपको जिस साइड का स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट को बना पाओगे। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए अपना स्क्रीन और आपका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। और भी फीचर मिल जाते हैं यहाँ पे डूडल स्क्रीनशॉट के। डूडल स्क्रीनशॉट में क्या होता है, जब आप फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे डूडल स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे तो जो भी आप स्क्रीन पर लिखेंगे वो आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको सेव करेंगे तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपका बन जाएगा। तो काफी यूजफुल फीचर है, आप इनको जरूर से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर मिल जाते हैं आपको यहीं पर। एस कैप्चर पर जाने के बाद आप डायरेक्ट लॉन्ग स्क्रीनशॉट बना सकते हो। वैसे तो आप किसी भी साइट का आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए या लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर लीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग इसको आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट करके कर सकते हो या सेव करेंगे तब आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से ये सेव हो जाता है। इसके अलावा और भी फीचर मिल जाते हैं इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर इनको एक साथ प्रेस कर दीजिए तो भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस फोन में आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। आई होप इनके बारे में आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।